बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी खबरों के नाल मैं अली नवाज शाह। सब तो पहला खास खास खबर। वजीर आजम इमरान खान ने आख्या कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का दारो मदार अकवामे मुतहदा की करारदादा ते कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल होने। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आख्या कि वजीर आजम इमरान खान का जनरल असेंबली नाल खिताब जामे तरीन ते पाकिस्तानी आवाम दी उमंगां दे ऐन मुताबिक सी। मामले खसूसी शहबाज गिल ने आख्या कि कोरोना वबा ते कामयाबी नाल काबू पाउण ते दुनिया पाकिस्तान दी मोतरफे। पाकिस्तानी कोह पैमा शहरोज काशिफ ने 8,000 मीटर तो बुलंद एक होर चोटी सर करन दा एजाज अपने ना कर लिया है। हुण खबरां तफसील नाल। वजीर आजम इमरान खान ने अकवामे मुतहदा की जनरल असेंबली नाल दूजे नाल वर्चुअल खिताब विच आख्या कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का दारो मदार अकवामे मुतहदा की करारदादा ते कश्मीरी आवाम दी ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल होण विच है। उन्हें आख्या कि मेरा हमेशा तो मौकफ रहा है कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं ते माजी विच उलझन की बजाय अगे दा सोचिए। आलमी बिरादरी नूं अफगानिस्तान विच इंसानी ते मुआशी बुहरान नूं रोकण विच किरदार अदा करना होएगा। अफगान जंग दा सारिया तो वध नुकसान पाकिस्तान नूं होया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग विच 80,000 तो वध कीमती जाना ते मईशत नूं 1.5 अरब डॉलर तो वध दा नुकसान पहुँचया। अपने खिताब विच वजीर आजम ने आख्या कि इस्लामफोबिया की सारिया तो खौफनाक शक्ल भारत विच सराहियत कर चुकी है ते मकबूजा कश्मीर विच जुल्म बरबरीयत नाल आबादी दा तनासुब बदलन की साजिश जारी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में मीडिया नाल गल्लां करदे हुए आख्या कि वजीर आजम इमरान खान का जनरल असेंबली नाल खिताब जामे तरीन ते पाकिस्तानी आवाम की उमंगां दे ऐन मुताबिक सी। मसला कश्मीर ते भारत की हठधर्मी इहदे हल विच सारियां तो वड्डी रुकावट है। वजीर आजम ने अपने खिताब में भारत का असल चेहरा बेनकाब किया। वजीर खारजा ने आख्या कि कश्मीरियां ते मजालिम बंद कराने विच अकवामे मुतहद का किरदार अदा करे। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह की सारे तो वड्डी वजह अशरफ गनी की नाकाम पॉलिसिया सी। अफगानिस्तान में वसी उल बुनियाद हुकूमत दुनिया की तरह साड़ी भी ख्वाहिश है। आलमी बिरादरी नूं अफगान आवाम नूं संगीन इंसानी बहरान तो बचाना होएगा। वफाकी वजीर इतलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान के अकवामे मुतहदा की जनरल असेंबली खिताब न सराहते हुए आख्या है कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में मसला कश्मीर अफगानिस्तान की सूरत हाल गरीब मुल्कों तो लुटी हुई दौलत के माहौलियात के बारे में मुदलल ते जामे गुफ्तगु की है। वजीर मुमलकत इतलात नशरियात फरोख हबीब ने अपने ट्वीट में आख्या कि वजीर आजम इमरान खान ने आलमी दुनिया को बेहतरीन अंदाज में बावर करवाया है कि अफगान जंग का सब तो वध जानी और माली नुकसान पाकिस्तान नूं होया। हुण दुनिया नूं चाहिए है कि माजी की गलती नूं ना दोहराए सगों अफगानिस्तान विच देरपा अमन लई कोशिशां करे। उन्हें आख्या कि वजीर आजम ने अकवामे मुतहदा में दलेराना अंदाज नाल मोदी के जालमाना नज़रिया RSS नूं एक्सपोज किया। उन्होंने भरपूर दलायल नाल कश्मीरियों के सच्चे वकील ते निडर सफीर होने का किरदार अदा किया। वजीर दाखला शेख रशीद अहमद ने आख्या कि वजीर आजम इमरान खान ने एक बारी फिर इंतहाई जुरत ते इस्तदलाल नाल अकवामे आलम नूं आईना विखाया है। अपने एक बयान में वजीर दाखला ने आख्या कि वजीर आजम ने अपने बयान में दुनिया में वधदी हुई मुआशी ते समाजी बेचैनी के असबाब का अहाता किया है ते अफगान मसले नूं दुरुस्त सियाको सबाक विच दुनिया के सामने रखिया है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने आख्या कि कोरोना वबा ते कामयाबी नाल काबू पाउण ते दुनिया पाकिस्तान दी मोतरफे। जदों कोरोना नाल दुनिया परेशान सी ते खौफ दा शिकार सी ते सिर्फ एक शख्स सी कि जिहड़ा लॉकडाउन दी वजह नाल गरीब नूं परेशानी तो बचाना चाहुंदा है। लाहौर विच मीडिया नाल गल्लां करदे हुए मुआवने खसूसी ने आख्या कि साजिश के तहत मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का जैली इंदराज कराया ते मरियम नवाज के एहदे तो मुतलक बयानात ने मुल्की वकार नूं नुकसान पहुँचाया। उन्हें आख्या कि भारतीय मीडिया में भी इस साजिश में शामिल किया गया। उन्हें आख्या कि मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
मुल्क विच कोरोना नाल होर 42 अफराद जां बाक हो गए ने ते गुज़श्ता 24 घंटे विच 44,958 टेस्ट किए गए, 2,060 नवे केस रिपोर्ट होए, शरा 4.58% रही। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अकवामे मुतहदा जनरल असेंबली इजलास नूं खिताब दे मौके ते मकबूजा जम्मू और कश्मीर विच अज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल दी कॉल कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस ने दिती है, जिदा मकसद भारत दे नाजायज़ कब्जे ते आबादी दा तनासुब तब्दील करन दे गैर कानूनी इकदामात पर आलमी बिरादरी दी तवज्जो मबजूल कराना है। कश्मीरी अवाम मुकम्मल हड़ताल दे राहीं आलमी बिरादरी नूं ए वाजे पैगाम दे रहे ने कि भारत दे गैर कानूनी कब्जे नूं मुस्तरद करदिआं ते हक खुद इरादियत मिलण तिकर अपनी जिद्दोजहद जारी रखांगे। पाकिस्तानी कोह पैमा शहरोज़ काशिफ ने 8,000 मीटर तो बुलंद एक होर चोटी सर अपने नाम कर लिया है। शहरोज़ काशिफ ने नेपाल विच 8,163 मीटर बुलंद चोटी नूं सर कर लिया है। तो ये तो पहला ब्रॉड पीक माउंट एवरेस्ट ते केटू सर कर चुके ने। शहरोज़ काशिफ नूं दुनिया की दूजी बुलंद तरीन चोटी केटू सर करन आले दुनिया के कम उम्र तरीन, जबकि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करन आले कम उम्र पाकिस्तानी कोह पैमावी ने। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी ने शहरोज़ काशिफ नू मना सोलो चोटी सर करन ते मुबारकबाद देंदे होए आख्या कि इस घट उमरी विच अजिही बहादरी ते दलेरी दी मिसाल नहीं मिलदी। ते हुण मौसम दी सूरत हाल, महकमा मौसमियात दे मुताबिक आउंदे 12 घंटे दे दौरान मुल्क दे बेशतर इलाकियां विच मौसम गर्म ते खुश्क रहेगा, जबकि ज़ेरे सिंध विच कुछ थावां ते गरज चमक ते तेज़ हवावां दे नाल बारिश दा इमकान है। नाज़रीन खास खास खबरां इक वारी फिर। वजीर आजम इमरान खान ने आख्या कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का दारो मदार अकवामी मुतहदा की करारदादा ते कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल होण विच है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आख्या कि वजीर आजम इमरान खान का जनरल असेंबली नाल खिताब जामे तरीन ते पाकिस्तानी आवाम की उमंगा के अहम मुताबिक सी। मामले खसूसी शहबाज गिल ने आख्या कि कोरोना वबा ते कामयाबी नाल काबू पाउण ते दुनिया पाकिस्तान दी मोतरफ है। पाकिस्तानी को पैमा शहरोज़ काशिफ ने 8,000 मीटर तो बुलंद एक होर चोटी सर करन दा एहसास अपने ना कर लिया है। नाजरीन अदराली हुण तक दियां खबरां मुक गईयां। पीटीवी नैशनल दी न्यूज़ टीम दे नाल अली नवाज शाह नूं इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज़।